असलम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे बी एस सी मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स के पेपर को और पार्ट टू के पेपर को हमने डिस्कस किया था आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में पार्ट वन के पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और जो वो चैप्टर्स हैं जो आप कर लें उससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उन्हें डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ जो कि बी के स्टूडेंट्स को कल ही मिली है और वो ये मिली है कि उनके पेपर जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं उनको कुछ टाइम और मिल गया तो ये अच्छी बात है बजाय इसके कि, कि आप रिलैक्स हों आपको और अच्छा टाइम मिल गया है आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने पेपर की इसलिए आपका फोकस जो है मेन आपकी स्टडीज़ की तरफ होना चाहिए क्योंकि मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है इसलिए मैं आपको मैथमेटिक्स पार्ट वन जनरल की अब आपको पहले आउटलाइन बताऊंगी इसके अलावा वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वो एग्जांपल्स वो क्वेश्चंस जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं या वो एक्सरसाइजेज़ जिनमें से बार बार पेपर जो है वो सेट होता है हम उन्हें इन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so दैट ये वीडियो आप न, के लिए काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा का so, सो हम स्टार्ट करते हैं uh, ये मेरे पास आउटलाइन है मैथमेटिक्स जनरल पार्ट वन की ठीक हो गया टोटल मार्क्स आपको पता है हंड्रेड होते हैं और इसमें भी चार सेक्शन होते हैं जैसे हमने पार्ट टू में डिस्कस किया है बुक जो है आपकी वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की बेसिकली है कैलकुलस विथ एनालिटिकल जो एस एम यूसफ़ की है ये भी बुक ठीक है इसमें भी चार सेक्शंस होंगे अगेन आपने सेक्शन वन से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सेक्शन टू से भी दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे थ्री से एक क्वेश्चन होगा एंड फोर से एक क्वेश्चन होगा फर्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन चैप्टर वन टू एंड थ्री ठीक हो गया इसमें आपके रियल नंबर्स फंक्शंस, फंक्शंस के ग्राफ्स वगैरह डिफरेंट लिमिट्स के क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है जैसे ये लिखा हुआ है और थेरम्स जो हैं, लिमिट्स के लेफ्ट लाइट है, राइट राइट हैंड लिमिट्स और कंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं दैन सेकेंड चैप्टर आपका और थर्ड चैप्टर इसमें क्या आपके पास आ जाएंगे सेकेंड में आपका जो है चैप्टर वो पूरा डेरीवेटिव से रिलेटेड है तो चूँकि सेकेंड ईयर में आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव्स का चैप्टर उसमें इंटीग्रेशन भी है सेकेंड टू में तो मतलब ये आपने सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए आपकी रिविजन भी हो जाती है प्लस थोड़ा सा उससे हायर लेवल का है अदरवाइज चीज़ें सेम है कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं मैथमेटिक्स में तो सेकंड जो आपका चैप्टर है मतलब सेक्शन वन का जो सेकंड पार्ट है उसमें डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस ठीक हो गया तो इसमें काफ़ी डिफरेंट फंक्शंस होंगे और उनके आपने डेरीवेटिवस लेने होंगे इसमें जो है लेपलास इक्वेशनस वगैरह हैं तो सिंपली डेरीवेटिवस के क्वेश्चन हैं थोड़े ट्रिकी हैं थोड़े लेंथी हैं ऑब्वियसली आपका लेवल जो है सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जब आप शिफ्ट हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन तो चेंज होंगे थोड़े मुश्किल भी होंगे लेकिन ये है कि वो ईजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं तो फर्स्ट सेक्शन तो बहुत ईजी है आपके पहले तीन चैप्टर्स हैं और उनमें से पेपर जो है आपका सेट होता है आपने दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें आपकी टेलर में सीरीज भी आ जाएंगी चैप्टर थ्री में अगर हम जाएँ तो उसमें जो है आपके मेन वैल्यू थेरम है रोल्स थेरम है लाइबनीज थेरम है हाई डेरिवेटिव हैं लॉपिटल्स रूल्स के हैं तो ये आपका सेक्शन वन हो गया ठीक हो गया मैं आपसे पेपर भी डिस्कस करूंगी मेरे पास इस टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी का जो रिसेंट पिछले साल का पेपर हुआ है वो पढ़ा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस में से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आप लास्ट में वीडियो को एंड तक देखिएगा अब हम चलते हैं सेक्शन टू की तरफ सेक्शन टू में आपके पास जो है इंटीग्रेशन uh, आ जाती है ठीक है एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो इंटीग्रेशन की होती हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा नेक्स्ट हम मूव करें तो आपके पास आ जाएगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स डेफिनेट इंटीग्रल्स पे इसमें थेरम्स आ जाएंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर हम आ जाएंगे तो ये हो गया जी आपका चैप्टर नंबर फोर यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है सेक्शन टू से इसके अलावा सेक्शन टू में आपका चैप्टर फाइव एंड चैप्टर सिक्स भी कवर हो रहा है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स वगैरह और टेंजेंट्स नॉर्मल्स वगैरह कॉनिक सेक्शंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो ये सारा जो है आपका फोर फाइव एंड सिक्स चैप्टर जो है वो सेक्शन टू में कवर हो रहा है सेक्शन थ्री की अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाती है जो कि थोड़ी सी थोड़ी सी टफ हो जाती है बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है तो इसमें है एप्लीकेशन ऑफ़ इंटीग्रेशन इसमें चैप्टर नंबर सेवन जो है वो इसमें इंक्लूडेड है ठीक है सेक्शन थ्री में और सेक्शन फोर में आपका चैप्टर नाइन एंड टेन इंक्लूडेड है ठीक है अगर आप चैप्टर नाइन भी कर लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा टेन भी कर लें तो तो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा बिकॉज दो क्वेश्चन होंगे आपने एक अटैम्प्ट करना होगा और चैप्टर नाइन टेन में आपके जो है ना ये जो सेक्शन है ये बेसिकली रिलेटेड है फंक्शंस ऑफ़ सेवरल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स इसमें सिंगल इंटीग्रेशन नहीं होगी इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल्स हो सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स हो सकते हैं हैं इसमें और इसके अलावा फंक्शंस जो हैं वो भी डिफरेंट वेरिएबल्स के हैं ठीक है थीके? तो ये सारा हो गया आपका आपकी कोर्स आउटलाइन होगी और आ, मेरे ख्याल में जो फोर्थ ईयर का मैथ्स है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू थर्ड ईयर का मैथ आप ही मेरे से शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सा ईजी लगता है सो so, हम अब पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं और इसके अलावा मैं आपको चैप्टर्स जो हैं उनकी एक दफ़ा हाईलाइट्स दे बता देती हूँ बुक से जी गाइस तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रियल नंबर्स का पहला चैप्टर है जिसमें लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी सेकंड चैप्टर है डेरिवेटिव का आपका थर्ड चैप्टर है जनरल थेरम्स का इनडिटर्मिनेट uh, फॉर्म्स इसमें आ जाती हैं ये आसान है चैप्टर थर्ड जो है फोर्थ टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें वो इंटीग्रेशन बाय बाई मेथड ऑफ़ सब्सटीट्यूशन आ जाएगा बाय पार्ट्स आ जाएगी डिफरेंट इसके अलावा यूजफुल सब्सिट्यूशन के कोशनज हैं फिफ्थ जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं इसमें लिमिट्स आ जाएंगी और इसमें फिर नोमरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें सिमसन और टेपिजाइडल रूल्स आपके पास आते हैं सिक्स चैप्टर जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं अच्छा लगता बट अगेन हमको हमारे अगर कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर में अच्छे बने हुए हों सिक्स चैप्टर के कॉनिक सेक्शन के तो यहाँ पे भी सिक्स चैप्टर जो आपका प्लेन कर्व्स वन का है वो अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है अगेन बात वहीं पे, पे आ जाती है कि अगर आप मेहनत करें और आ, आ, अच्छे से पढ़ें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं देन सेवन्थ चैप्टर जो है आपका प्लेन कर्व्स टू है ठीक हो गया एंड देन चैप्टर नंबर नाइन एंड टेन लेट मी शो यू चैप्टर नाइन है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड टेन इज मल्टीपल इंटीग्रल्स तो ये तकरीबन सारी बुक ही जो है इसमें कवर हो जाती है आपकी पूरी कैलकुलस की जो बुक है ये आपकी इसके कोर्स आउटलाइन में कवर हो जाती है अब वैसे टाइम तो है आपके पास काफ़ी ठीक हो गया आ, लेकिन ये है कि अगर हम फिर भी अगर आप कुछ कम सिलेबस को करना चाहें या कुछ ऐसे चैप्टर्स स्पेशल करना चाहें जिनसे आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाए और आप पूरी बुक अगर नहीं कर सकती या नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि हम सेक्शन वाइज इनको डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेज़ कैसी कैसी हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन वन में ये पास्ट पेपर है मेरे पास ट्वेंटी ट्वेंटी का जो एनुअल पेपर हुआ था पार्ट वन का पंजाब यूनिवर्सिटी का तो इसे हम डिस्कस करते हैं तो सेक्शन वन में पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट वन पॉइंट वन ये मैंने आगे आपके मेंशन कर दिया है यहाँ पे सो so दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वन पॉइंट वन में से आपका क्वेश्चन वन का पार्ट वन आया हुआ है ठीक हो गया वन पॉइंट टू में से आपका क्वेश्चन वन का पार्ट टू आया हुआ है इसके अलावा टू पॉइंट टू से क्वेश्चन आया हुआ है आपका तो वन इसमें कम्प्लीट हो जाता है वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू एंड टू पॉइंट टू में ठीक हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन uh, भी आप देख सकते हैं फोर फोर नाइन मार्क्स देन अच्छा इसमें एक बात मैंने ये कहनी थी कि जो आ, ये पेपर सेट होता है इसमें एग्जाम्पल्स भी सेट होती हैं ठीक है आ, चार से पाँच एग्जाम्पल्स तो आई थिंक सो इस पेपर में भी हैं तो आपको इस पर भी फोकस करना है कि आपने एक्सरसाइज से पहले उसकी एग्जाम्पल्स को कर लेना है देन सेकेंड क्वेश्चन जो आया हुआ है सेक्शन वन में वो टू पॉइंट वन से आया हुआ है और टू पॉइंट टू से आया हुआ है ठीक हो गया थर्ड क्वेश्चन जो है थ्री पॉइंट वन एंड टू पॉइंट फाइव से आया हुआ है मीन्स वही चैप्टर वन टू थ्री ही चल रहे हैं ठीक है फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैक्लोरन सीरीज़ का आया हुआ है थ्री पॉइंट टू से और थ्री पॉइंट थ्री की जो मैंने ये लिखा हुआ है ये चीज़ ये एग्ज़ाम्पल है बेसिकली थ्री पॉइंट थ्री से पहले कोई एक एक एग्जाम्पल है और वो आई हुई है आपके क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट बी में इट मीन्स आपके पहले सेक्शन में एक एग्ज़ैम्पल आ चुकी है बुक की एंड आपके चैप्टर वन टू एंड थ्री जो है वो कवर हो रहे हैं सेक्शन वन में अब हम सेक्शन टू की तरफ चलते हैं सेक्शन uh, टू में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आपकी फ़ोर पॉइंट टू एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज से पहले ये ई ex एक्स मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया है यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आई हुई है देन फोर पॉइंट फाइव में से एक क्वेश्चन आया हुआ है फोर पॉइंट सिक्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है ठीक हो गया तो अगर आपने सेक्शन टू के चूँकि आपने दो क्वेश्चन करने हैं तो आप लाजमी चैप्टर फ़ोर एंड फाइव तो कर लें ठीक है क्वेश्चन सिक्स की अगर हम बात करें तो ये फाइव पॉइंट थ्री में से आया हुआ है और क्वेश्चन सेवन जो है ये फाइव पॉइंट फाइव से पहले एग्जाम्पल में से आया हुआ है तो इट मीन सेक्शन टू में दो एग्ज़ाम्पल्स आई हुई हैं एंड सेक्शन वन में एक एग्ज़ाम्पल आई हुई है ठीक हो गया तो आपने एग्ज़ाम्पल्स लाजमी करनी है जी तो ये सेक्शन टू अभी हमने हाफ डिस्कस किया है जिसमें फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज जो है सॉरी चैप्टर्स जो है आपके आए हुए अगर आप पहले पांच चैप्टर्स कर लें तो आपका सेक्शन वन एंड सेक्शन टू तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा फुल मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ लिखी हुई आप देख सकते हैं ठीक हो गया अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि सेक्शन टू में ही अभी है और ये एक्सरसाइज सिक्स में से आया हुआ है देन सिक्स पॉइंट फाइव दैन सिक्स तो इट मीन्स सिक्स चैप्टर में से आपके क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट जो है वो सेट होते हैं तो अगर आप सिक्स चैप्टर नहीं भी करते तो आपके पहले पांच चैप्टर से आपके दो सेक्शंस बहुत अच्छे अटैम्प्ट हो सकते हैं ठीक है नो यू हैव ऑप्शन कि आप चैप्टर सिक्स को स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कर लिया इट्स वेरी गुड अगर आप सारा सिलेबस करें तो बेस्ट तो यही होता है लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या कुछ भी आपके पास जो भी इश्यूज़ हैं तो आप चैप्टर सिक्स को स्किप कर सकते हैं सेक्शन थ्री में अगर हम आएँ तो चैप्टर सेवन में से क्वेश्चन आए हुए हैं सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट फाइव एंड देन एक एग्ज़ाम्पल आई हुई आपकी ठीक है ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है क्वेश्चन टेन का बी पार्ट तो इट मीनस आप चैप्टर सेवन और उसकी एग्जांपल्स कर लें तो आपका सेक्शन थ्री बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन फोर तो इसमें आपके नाइन पॉइंट वन में से क्वेश्चन आया हुआ है नाइन पॉइंट फाइव में से क्वेश्चन आया हुआ है टेन पॉइंट वन में से क्वेश्चन आया हुआ है तो अगर आप नाइन चैप्टर कर लें तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा ठीक हो गया नहीं तो आप टेन चैप्टर कर लें तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा तो चूंकि एक ही क्वेश्चन आपने करना है तो आप नाइन और टेन में से कोई एक चैप्टर कर लें तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा तो ये थी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब और क्वेश्चन और चैप्टर वाइज भी मैंने आपको बता दिया तो पहले पाँच चैप्टर्स एंड चैप्टर सेवन एंड नाइन अगर ये भी आप कर लें तो आपका बहुत अच्छा पेपर और अटैम्प्ट हो जाएगा इन शह मार्क्स का तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है यूज़फुल रही होगी और आपको आइडिया हो चुका होगा मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज नंबर्स भी साथ लिख ली हैं आप स्क्रीन लेना चाहें तो आप स्क्रीन भी इसका ले सकते हैं हाँ जी इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं देन आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें बैक साइड का तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ठीक हो गया तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और जो है आप लोगों को काफ़ी से फ़ायदा होगा और आप मैथमेटिक्स जनरल पार्ट वन की अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छे इसमें मार्क्स गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और गुड लक टू ऑल ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ बी एस सी वेदर दे हैव सब्जेक्ट मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट and my core subject is maths that's why i'm discussing maths paper so good luck to all of you thank you so much for watching the video allah hafiz